हेलो गाइस वेलकम टू अन अकेडमी यूपी मैं खुशी चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के यानी कि 17 जून 2020 की क्लास लेकर के एंड आपकी आज की इस क्लास में अगेन हम क्या करेंगे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे कल की क्लास आपकी नहीं आई थी बट आज आपकी क्लास आ रही है तो अपने सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देखेगा कोशिश करिएगा कि आप उस सेंस से ही क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए क्योंकि जितने मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं उतने मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन क्वेश्चन में आपको लर्निंग की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ

देशव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किस मंत्री ने बात मंत्री की हो रही है तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मंत्री का नाम आप ऐसे ही बता देंगे ख़ैर हमारे पास में डॉक्टर हर्षवर्धन है पीयूष गोयल है नरेंद्र सिंह तोमर हैं एंड धर्मेंद्र प्रधान है और आपको सभी को पता होगा कि हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया है आई किसके द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ई e समारोह में इलेक्ट्रॉनिक समारोह में कॉन्फ्रेंस में प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज आई का शुभारंभ किया ठीक है आई जी एक्स प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए एक विवरण आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा उनकी उपस्थिति में इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग की शुरुआत भी की गई सो so, ये आपका थोड़ा सा आपको पता चला देन आपको बता देती हूँ कि भारत के ऊर्जा बाजार प्लेटफॉर्म के पूर्ण स्वामित्व वाले आईईएक्स ठीक है कि अनुषंगी के तौर पर शामिल किया गया है आई जी एक्स बाजार सहभागिता को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में समर्थ बनाएगा यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को निर्बाध यानी कि विदाउट एनी ऑब्जेक्शन या बाउंडेशन ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वेब आधारित इंटरफेस के साथ स्वचालित है देन आई जी एक्स के बारे में बताऊं तो यह देश को प्राकृतिक गैस के मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद करेगा इस उपलब्धि के साथ भारत प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं के क्लब में शामिल हो रहा है बाजार संचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली होने से इंडिया गैस एक्सचेंज आईजीएक्स गैस के लिए मुक्त बाजार साकार करने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाएगा ठीक है तो आप समझ भी जाइए कि अभी हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं मल्टीपल कंपनीज के ऊपर मल्टीपल एजेंसीज के ऊपर एंड जिस तरीके से हम क्या करते हैं हम केसको के ऊपर हैं आप जितना यूज करो जितना भी आपको गैस चाहिए अगर आप डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पर जाओगे आपको पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वहां पर मिल जाएगा एंड आप प्रॉपर तरीके से उसको देख लोगे मैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बता देती हूं भारतीय ऊर्जा विनिमय के बारे में बता देती हूँ कि भारतीय ऊर्जा विनिमय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है इसने 2008 में अपना परिचालन यानी कि ऑपरेशन शुरू किया था भारतीय ऊर्जा विनिमय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है आपसे पूछा जाएगा आपको याद रखना है देन भारत में पावर ट्रेडिंग का विकास भारतीय ऊर्जा विनिमय द्वारा किया गया था इसमें बिजली व्यापारी राज्य बिजली बोर्ड बिजली उत्पादक और खुले उपभोक्ता भी शामिल है आपका अगला प्रश्न इसमें आपसे बोला जा रहा है कि निम्न में से किस शेफ ने क्वालिटी एंड जेड कलीनरी कप 2020 जीता है कलीनरी का मतलब होता है पाकशाला ठीक है संजीव चौहान ने अंगद सिंह राणा ने सुरेश महलोत्रा ने या रणवीर बरार ने सो ये जो है आपका ये अंगद सिंह राणा ने क्या किया है जीता है अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एंड जेड पाकशाला का 2020 का जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया है इस पुरस्कार की घोषणा दिग्गज क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की थी शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एनजेड पाकशाला कप 2020 के साथ करीबन पचास हजार रुपए के मूल्य का क्वालिटी एनजेड जेट लैब और लैम्ब और आपका छियालीस हजार रुपए से अधिक मूल्य का सी फूड और एक वेबर बाई क्यू जीता है देन यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता क्वालिटी एनजेड पाकशाला कप है इस प्रतियोगिता में कुल 120 प्रविष्टियां प्रविष्टियों को फाइनल के लिए चुना गया था जजों के पैनल में कलिनरी एसोसिएशन के प्रमुख शेफ देविंदर कुमार सहित शेफ सलील फड़नीस सलील फड़नवीस एंड शेफ जुगेश अरोड़ा और स्टीफन फ्लेमिंग सम्मिलित थे या शामिल थे देर वॉज अ category या देर कैटेगरी ऑफ विनर्स एज वेल जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि श्रेणियों में विजेता में क्वालिटी एंड जेड पाकशाला कप समुद्री भोजन चुनौती विजेता तो विजेता जो थे वो आपके शेफ अंगद सिंह राणा थे अगर मैं बात करती हूँ इस कप की यानी कि मटन और लैम्प चुनौती विजेता में तो शेफ वैभव भार्गव जो थे वो यहाँ पे थे देन अगर मैं आपको एंड जेड इम्पोर्ट्स के बारे में बताऊँ क्वालिटी जेड इम्पोर्ट्स के बारे में बताऊँ तो क्वालिटी एंड जेड इम्पोर्ट्स एक भारतीय आधारित आयात कंपनी है ठीक है इसमें स्टीफन फ्लेमिंग के अलावा दो अन्य प्रसिद्ध क्रिकेटर ब्रेंडन मैक्लम और उसके साथ में डैनियल विटोरी के साथ कंपनी के शेयर धारक हैं और एंबेसडर हैं क्वालिटी एनजेड पाकशाला कब 2020 दक्षिण भारत शेफ एसोसिएशन भारतीय पाक फोरम और इसलिए पश्चिमी भारत पाक एसोसिएशन द्वारा भी समर्थित थे सो so, ये हैं आपके शेफ अंगद सिंह राणा देन अगला प्रश्न है इसमें आप देखेंगे इसका भी आंसर करिएगा एंड कई बार आप पढ़ लोगे तो ये आपको लर्न ही हो जाएगा बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सिपरी ईयरबुक 2020 को जारी किया है इंटरनेशनल एक्शन नेटवर्क ऑन स्मॉल आर्म्स जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी का फुल फॉर्म यही है कि स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो आप अगर सिपरी ईयरबुक देखोगे 2020 तो भाई फुल फॉर्म नहीं दिया गया आप समझ सकते हो एंड इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप तो आंसर आपका सी हो गया पता चल गया थोड़ा सा और देख लो स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिपरी ईयरबुक दो हजार बीस लॉन्च ठीक है ठीके? यह yes, स्वीडन में स्थित सिपरी स्वीडिश थिंक टैंक या राष्ट्र का एक थिंक टैंक है इसके अनुसार भारत और चीन ने 2019 की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागारों में वृद्धि की है थिंक टैंक के अनुसार चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है मॉडर्नाइज कर रहा है उसको एंड भारत की तुलना में चीन और पाकिस्तान में अधिक परमाणु हथियार भी हैं भारत के 150 परमाणु हथियार हैं अगर मैं चीन की बात करूं तो वहां पे करीबन 290 और पाकिस्तान के पास लगभग 150 से 160 परमाणु हथियार हैं करेंगे क्या डिज़ास्टर दैट्स से मुझे बहुत गुस्सा है कि जो एक्टिविटी हुई है बॉर्डर पे बट स्टिल पूरे भारतीयों को गुस्सा है देश के हर एक नागरिक को गुस्सा है बट इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जब तक हमारी सरकारें प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं लेती हैं <tongue> तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत अपने परमाणु हथियार स्टॉक और परमाणु बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है विभाग भारत की परमाणु स्ट्राइक क्षमता का सबसे परिपक्व घटक है भारत ने अपने विमानों को 48 परमाणु बम सौंपे हैं भारत अपने परमाणु परीक्षण का नौसेना घटक भी विकसित कर रहा है वेयर एज अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना पहली बार परमाणु त्रिकोण परीक्षण कर रहा है इसने नई सी बेस्ड मिसाइल और परमाणु सक्षम विमान तैयार किए हैं चीन में अपनी जमीन और समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल को संचालित करने के लिए 240 से अधिक हथियारों को सौंपा है साथ ही चीन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु रणनीति भी अपनाई है अगर मैं सिपरी के बारे में बताऊं कि आपका क्या है ये सिपरी तो सिपरी के अनुसार दुनिया के नौ प्रमुख परमाणु सशस्त्र युक्त देशों में अमेरिका ब्रिटेन रशिया फ्रांस भारत पाकिस्तान चीन उत्तर कोरिया और इसराइल शामिल है दो की शुरुआत में इन देशों के पास करीबन तेरह परमाणु हथियार थे इनमें से 3,720 परमाणु हथियारों को वर्तमान में तैनात किया गया है और 1,800 को उच्च परिचालन चेतावनी में भी रखा गया है ठीक है देन 2019 की की तुलना में की में परमाणु हथियारों संख्या कमी मुख्य रूप से रशिया और अमेरिका द्वारा सेवानिवृत्त परमाणु हथियारों के विघटन के कारण हुई है अकेले अमेरिका और रशिया के पास दुनिया के करीबन नाइन्टी परमाणु हथियार हैं तो आपको पता होगा कि अगर मैं एटम्स की बात करूँ या मैं यूरेनियम के भंडारों की बात करूँ यूरेनियम जिसको हम लोग बेसिकली एज अ फ्यूल यूज करते हैं इन आर एटॉमिक स्टेशन और आप देख सकते हो जितने भी हमारे रिएक्टर्स होते हैं तो इन देशों के पास होने के साथ साथ में आप सोच सकते थे कि कजाकिस्तान जो है आपका यूरेनियम के से अच्छी खासी मात्रा है कनाडा के पास में है ऑस्ट्रेलिया के पास में है खैर आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं आपके अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है बोल रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम उद्यम यानी कि एम के लिए सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च किया है पेटीएम ने मोबीक्विक ने फ्रीचार्ज ने एंड एयरटेल पेमेंट बैंक ने सो भैया देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इसने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए सुरक्षा वेतन खाता लॉन्च करने की घोषणा की है देश में करीब छह करोड़ एमएसएमई यूनिट हैं जिनकी कुल जीडीपी में नाइन नाइन परसेंट की क्या है हिस्सेदारी है टोटल जीडीपी में एंड इस अभिनव खाता सेवा माध्यम से एमएसएमई और अन्य संस्थान कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे और अपने कर्मचारियों को एक वित्तीय सुरक्षा का कवच भी प्रदान करेंगे यह yes, सुविधा भारत में बीमा की कम पहुंच को ध्यान में रखते हुए होसी, आ, कैश, बीमा और आपके व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर जैसे लाभ प्रदान करता है इसमें खाते में कोई न्यूनतम शेष रखने की शर्त भी नहीं है इस सेवा के जरिए खाताधारक भारत भर में किसी भी एयरटेल पेमेंट बैंक के सेंटर से पांच लाख रुपए की नकद निकासी कर सकेंगे देर आर नो चार्जेस नो चार्जेस ऑन कैश विद्रॉल्स ऑफ अपू रुपीज फिफ्टी थाउजेंड एंड डिपॉजिट्स ऑफ अप टू रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड इन वन मंथ कस्टमर विलो also be able to make cash deposit and transfer money and at these points. यानी कि इसमें एक महीने में पचास हजार रुपए तक की नकद निकासी और बीस हजार रुपए तक की जमा राशि पर कोई शुल्क नहीं होगा इसके अलावा ग्राहक इन सेंटरों पर नकद जमा करने और पैसा ट्रांसफर करने के भी सक्षम होंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बता देती हूँ इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है इसके प्रबंध और संचालक मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुब्रत विश्वास है मास्टर कार्ड मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क यूएस में है मास्टर कार्ड के जो अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक हैं उनका नाम है अजयपाल सिंह बांगा देन आपका अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने ठीक है ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक ने आयकर विभाग ने या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सो भाई ये काम जो किया है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किया है अब देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी पूरी तरीके से पेपरलेस एंड फेसलेस होने जा रहा है बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पेपर्स के साथ में बहुत ज्यादा टाइम भी बढ़ता है डिले भी बढ़ता है एंड ट्रांसपेरेंसी भी कम रहती है बहुत ही अच्छी बात है देन सीबीआईसी के चेयरमैन ने पांच सौ सी जी एस टी एवं कस्टमर कार्यपालकों कार्यालयों के लिए ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है सी के पचास हजार से अधिक अधिकारी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी करेंगे ई e एप्लीकेशन के पूरी तरह अमल में आ जाने के बाद कस्टम क्लियरेंस देने वाले अधिकारी को यह पता ही नहीं चलेगा कि यह माल किस आयातक का है किस इम्पोर्टक का है बढ़िया अच्छी बात है आयातक को यह जानकारी नहीं मिल पाएगी कि उसके मामले को कौन से अधिकारी देख रहे हैं ई e एप्लीकेशन पर कामकाज शिफ्ट होने से किसी भी प्रकार के मामले में के लिए कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे तो लोगों का काम बच रहा है काफी ट्रांसपेरेंसी है बट अगेन मैं इसके सब में, सब में में बोलती हूँ कि हाँ मैं थोड़ी सी नेगेटिव सोचती हूँ नेगेटिव साइड में लेके जाती हूँ बट अगेन हमें अपने साइबर एरिया में भी थोड़ा सा कमांड करने की रिक्वायरमेंट होगी एंड साइबर सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा देन ई ऑफिस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी ने विकसित किया है और यह ऑनलाइन फाइलों के प्रबंधन को क्षमता या सक्षम बनाता है सीबीआईसी के अध्यक्ष एम अजीत कुमार ने 500 से अधिक केंद्रीय जीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन की भी शुरुआत की है अबाउट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की सीबीईसी की बात कर आई सी की बात कर लेती हूँ तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड भारत में सीमा शुल्क सी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर और नार्कोटिक्स के संचालन के लिए जिम्मेदार एक आपकी नोडल एजेंसी है अध्यक्ष इसके जो है वो एम अजीत कुमार है जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं स्थापना इसकी उन्नीस सौ चौसठ को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली दिल में देन देख सकते हैं आप आपका सीमा शुल्क बोर्ड का लोगो अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में समाचारों में देखे गए हीरा सिंह कौन थे पूर्व मराठी साहित्यकार थे प्रसिद्ध लोक गायक थे संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि थे एंड प्रसिद्ध बंगा बंगाली फिल्म के कलाकार थे भाई ये आपके प्रसिद्ध लोक गायक हैं ठीक है ठीके? और उत्तराखंड के हैं देखो भाई उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में 13 जून 2020 को अठहत्तर वर्ष की आयु में निधन हो गया हीरा सिंह राणा का जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडोली गाँव में हुआ था अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद राणा नौकरी की तलाश में दिल्ली रवाना हो गए बाद में वह संगीत का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति के समक्ष आपका साथ कलकत्ता चले गए उन्होंने पंद्रह साल की उम्र से विभिन्न मंचों में गाना शुरू किया था हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल कुमाऊनी और जौनसारी अकेडमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था उन्नीस और उन्नीस के दशक में रंगीली बिंदी घनकरी कई धोती लाल किनारा यही है हेर इड्रे जैसे उनके गीत राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुए उनके गीत प्यार पहाड़ पहाड़ दुखों को दायर पहाड़ में पहाड़ियों की पलायन समस्या को दर्शाता दर्शाया गया है देन ये हैं आपके हीरा सिंह इनको आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार प्रदेश भर में शहरी क्षेत्रों में हर इलाके और कॉलोनी में पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करेगी महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश की कर्नाटक की या उत्तर प्रदेश की तो ये काम करेगी मध्य प्रदेश की सरकार अब क्या हुआ है भाई देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड नाइन्टीन सर्वेक्षण कार्य को आसान बनाने के लिए मोहल्ले और कॉलोनी स्तर पर ऑक्सीमीटर की आपूर्ति पर विचार चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार कोरोना वायरस बीमारी के लिए सर्वेक्षण और स्क्रीनिंग बढ़ाने के लिए राज्य भर के शहरी इलाकों में हर इलाके और कॉलोनी में पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करेगी एक पल्स ऑक्सीमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग शहर में शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की निगरानी के लिए क्या किया जाता है किया जाता है सर्वेक्षण कार्य को आसान बनाने के लिए कोविड नाइन्टीन के नियंत्रण के लिए मोहल्ला और कॉलोनी स्तर पर पल्स ऑक्सीमीटर की आपूर्ति पर विचार भी किया जा रहा है यह रोगों के या रोग के लक्षण के साथ पाए गए किसी भी व्यक्ति को उपचार के लिए तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाने में मददगार साबित होगा आम जनता को सामाजिक दूरी के महत्व के से अवगत कराने के लिए जागरूक प्रतिनिधियों को जनता से आप बोलोगे चुनकर जिम्मेदारी भी दी जाएगी मध्य प्रदेश के बारे में बताऊं देश में क्षेत्रफल के मामले में यह राजस्थान के बाद दूसरा राज्य है इसकी राजधानी भोपाल है यहाँ के मुख्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व राज्यपाल लालजी टंडन ने जिनकी तबियत खाल की में काफ़ी खराब है राज्य का राजकीय पुरुष जो है सॉरी पशु जो है वो बारासिंगा है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज पक्षी सुल्ताना बुलबुल है धन आपका अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चुना गया है मधु माधवी को काजल झा को अनुराधा आचार्य को या अंजलि बंसल को भाई जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए मधु माधवी को चुना गया है अब होता क्या है ये एंड क्यों मिला है ये भी देख लो वर्ष 2020 के जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए मधु माधवी को चुना गया है उन्हें यह अवार्ड अक्टूबर में लंदन में दिया जाएगा ब्रिटेन के व्यापार ऊर्जा एवं पर्यावरण नीति विभाग में इसी साल से सीनियर पॉलिसी ऑफिसर के रूप में कार्यरत मधु ने कैम्ब्रिज ओपन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ट्रेनिंग के अंतर्गत वैश्विक भौगोलिक संदर्भ में ऊर्जा संचालन विषय पर शोध किया उनका शोध पत्र कोल इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी क्लाइमेट ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी लंदन के एनर्जी नामक प्रसिद्ध या प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल में प्रकाशित भी हुआ इस शोध पत्र के लिए आईसीई पब्लिशिंग हाउस लंदन में उनका चुनाव जेम्स वाट पुरस्कार के लिए किया है आईसीई पब्लिशिंग हाउस प्रतिवर्ष किसी एक उत्कृष्ट रिसर्च को पुरस्कृत करता भी है 38 वर्षीय मधु दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड के विशनपुर गांव निवासी व पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी और प्रोफेसर सरोज चौधरी की बड़ी बेटी हैं वह शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी थी बारहवीं तक की शिक्षा जिले में ही हुई उनकी इसके बाद उनका चयन मेडिकल में हो गया कर्नाटक में दाखिला मिल रहा था लेकिन वह इंजीनियर बनना चाहती थी इसके चलते नोएडा के जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वे प्रवेश ले लिया उन लोगों उन्होंने एंड वर्ष 2006 में वहां से बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक कर पहली नौकरी एच में रिसर्च एनालिस्ट के रूप में एक वर्ष तक की इसके बाद वो नई दिल्ली स्थित एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट में 2012 तक काम किया उन्होंने जून 2012 में शादी के बाद लंदन चली गई वहां आगे की पढ़ाई शुरू की वर्ष 2015 में किंग्स कॉलेज लंदन में पब्लिक पॉलिसी में उन्होंने एमए भी किया सो so, ये हैं मंजू मधु माधवी एंड uh, अगला प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2020 का जो विषय है वो क्या है लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर लेट्स हैज द ट्रू वैल्यू इन्वेस्ट इन इट एंड फूड फीड फाइबर और इनमें से कोई नहीं तो भाई आपका जो विषय है वो है फूड फीड एंड फाइबर एफ क्यूब है देख लीजिए विश्वभर में 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस डब्ल्यू मनाया जाता है इस दिवस का उद्देश्य लोगों में मरुस्थलीकरण तथा सूखे के बारे में जागरूकता फैलाना है इस वर्ष इसका विषय फूड फीड एंड फाइबर है मरुस्थलीकरण भूमि चरण और सूखा बड़े खतरे हैं जिनसे दुनिया भर में लाखों लोग विशेषकर महिलाएं और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं इस तरह के रुझानों को तत्काल बदलने की आवश्यकता है क्योंकि इस समय इससे मजबूरी में होने वाले विस्थापन में कमी आ सकती है खाद्य सुरक्षा सुधर सकती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा भी मिल सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 1994 में मरुस्थलीकरण रोकथाम का प्रस्ताव रखा गया जिसका अनुमोदन दिसंबर उन्नीस में किया गया था वहां 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर हस्ताक्षर किए जिसके पश्चात वर्ष उन्नीस से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए यह दिवस मनाया जाने लगा आपको बता देती हूँ कि वॉट आर दॉेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण के जो कारण है वो क्या है तो मानव निर्मित कारणों में घास फूस की अधिक चराई उत्पादकता और जैव विविधता को कम करता है 2005 और 2015 के बीच भारत ने 31 प्रतिशत घास के मैदान खो दिए हैं वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसों के प्रभावों में वृद्धि तो होती ही है साथ ही धरती अपना परिधान लुटा देती है काटो और जलाओ कृषि पद्धति जिसको आप लोग बोलते हो क्या आपकी जूमिंग एग्रीकल्चर तो कृषि पद्धति मिट्टी के कटाव के खतरे को बढ़ाती है उर्वरकों का अतिरोपण और अतिवृष्टि मिट्टी की खनिज संरचना को असंतुलित करते हैं जलवायु परिवर्तन तापमान वर्षा मरुस्लीकरण को बढ़ा सकता है प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ हुआ सूखा हुआ भूस्खलन पानी का क्षरण पानी का कटाव उपजाऊ मिट्टी का विस्थापन कर सकता है हवा द्वारा रेत का अतिक्रमण भूमि की उर्वरता को कम करता है जिससे भूमि मरुस्थलीकरण के लिए अति संवेदनशील हो जाती है तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजर्टिफिकेशन आपको इसको याद रखना है कि अगर आपके आस पड़ोस में अभी अगर आप कुछ भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो आप उनको करिए एंड बिल्कुल करिए आपका आज का अगला प्रश्न और आज का आपका अंतिम प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं मुक्कम दकलई ठीक है अबिल गाजी इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है वह किस देश के प्रधानमंत्री थे किर्गिस्तान के थे मंगोलिया के थे उज्बेकिस्तान के थे या कम्बोडिया के थे तो भाई ये किर्गिस्तान के आपके प्रधानमंत्री थे आई होप सो कि आप लोगों को इनका नाम पता होगा और इनको आपने देखा भी होगा मैं आपको बता देती हूँ कि किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुखम्मद कलई अली अबिल गाजी बा, बावन वर्ष में आ, की उम्र में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है जिसमें सरकार के द्वारा अवैध रूप से रेडियो फ्रिक्वेंसी बेचे जाने वाले आपराधिक जाँच की गई थी अप्रैल 2018 में सपर इसाको का स्थान इन्होंने ग्रहण किया था और उसके बाद राष्ट्रपति सोरोन बाई जिनको कोफ़ द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त भी किया गया था मुकदम कलई या दलई या नाम बहुत कठिन है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ देखिएगा अविल गाजी एव ने उल्लेख किया है कि इतने कठिन नाम कैसे याद करेंगे आप बस सुन के अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि किर्गिस्तान में कुछ ऐसा हुआ वहाँ के पी ने इस्तीफ़ा दिया एंड नाम सुवेंसो है तो नाम करने के लिए आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड uh, वहाँ के लोग कैसे याद करते होंगे हमारे प्रधानमंत्री का जो नाम है वो बहुत ही आसान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड इजी टू प्रनाउंस भी है बट ये तो भाई मैं मुझसे ना हो पाएगा कि सरकार जांच की अनिश्चितता के कारण अच्छा काम नहीं कर सकती क्योंकि कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण सम्मोहक कार्य है देन uh, उन्होंने 27 मई को दो सप्ताह की छुट्टी ली ताकि रेडियो आवृत्ति संसाधनों पर भ्रष्टाचार की जांच में हस्तक्षेप से बचा भी जा सके वर्तमान में प्रथम उप प्रधानमंत्री कुबाट बेक बोरोनो सरकार के काम का समन्वय करते हैं देन सो so ये हैं आपके मैं नाम नहीं पढ़ूंगी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन है एंड यही तक था आपका आज का अंतिम प्रश्न एंड आई होप कि आपको सारे के सारे प्रश्न जो हैं काफी अच्छे लगे होंगे सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन बाय बाय टाटा टेक केयर